नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला किसान से करा रहे हैं जो सब्जी फसलों की खेती के साथ ही फूल की खेती और पशुपालन कर रही हैं। एक तरह से वो तीन तरह की के काम कर रही हैं जिससे उनको बेहतर लाभ हो रहा है। और आजकल कहा भी जा रहा है कि अगर खेती की प्रणाली को कुछ बदला नहीं जाएगा तो कोई फायदा नहीं होना है। तो किस तरह से चूनाडीह गांव की महिला किसान सरिता देवी अपने प्रणाली में, अपने सोच में, अपने काम में बदलाव ला करके और खेती के विभिन्न घटकों को शामिल करके मुनाफा कमा रही हैं, फायदा ले रही हैं, इसी पर केंद्रित है हमारा आज का ये वृत्तचित्र। आज ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के कई प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। ग्रामीण भारत में ढेर सारी महिलाएं कृषि क्षेत्र में मौजूद अवसरों का फायदा उठाते हुए अपने लिए आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग ढूंढने में कामयाब हुई हैं। ग्रामीण महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कृषि आधारित उद्यमों की ओर मुखातिब हो रही हैं। फलस्वरूप ग्रामीण महिलाएं अपने गांव घर में ही नए अवसरों को तलाश कर अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर अपनी क्षमता साबित कर रही हैं। वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र चिरई गांव में स्थित चूनाडीह गांव की रहने वाली सरिता देवी एक ऐसी ही प्रयोगधर्मी महिला हैं जिसने अनजाने और चुनौती भरे रास्ते पर चलकर अपने लिए एक नई राह बनाई और उस पर चलकर आज अपनी मंजिल तक पहुंची हैं। उनकी सफलता ग्रामीण भारत की कम संपन्न महिलाओं के बदलते दृष्टिकोण का परिचायक है। सरिता देवी अपने खेत पर लगभग इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली सभी फसलों की खेती करती हैं। खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वे विभिन्न मौसमी सब्जियों की खेती करती हैं। इससे उन्हें उपज के अनुसार अच्छा खासा लाभ हो जाता है। सब्जी फसलें नकदी फसल की श्रेणी में होने के कारण अनवरत आमदनी कराती हैं। नकदी पैसा देने वाली जो खेती हैं उनमें सब्जियों की खेती है, साथ ही साथ इसमें फूलों की खेती है, इसमें पशुपालन भी है जो प्रतिदिन आमदनी दे देती है, और इसके साथ ही साथ जो अन्न की खेती है इसकी भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो इस तरह की खेती हमारे जो लघु कृषक या सीमांत कृषक हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। उनके लिए ये भी आजकल जो मौसम के बदलते परिवेश में है कि वो नियंत्रित वातावरण में भी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, बिना मौसम के सब्जियों की खेती, ये सभी एक आय का बहुत ही अच्छा जो जरिया है। इसके माध्यम से हम प्रतिदिन अपने नए नए स्रोतों से आमदनी प्राप्त करके अपने दिनचर्या को सुनिश्चित कर सकते हैं। फूलों की बढ़ती मांग ने फूलों की खेती को भी आर्थिक लाभ की दृष्टि से काफी क्षमतावान बना दिया है। छोटी जोत और सीमांत किसानों के लिए फूलों की खेती एक अच्छा कृषि उद्यम साबित हो रही है। सरिता देवी जमीन के कुछ भाग में विभिन्न मौसमी फूलों की भी खेती करती हैं।
कृषि क्षेत्र में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से भी प्रतिदिन आमदनी होती रहती है। सरिता देवी नकदी फसलों, फूल और सब्जी की खेती के साथ ही पशुपालन और दुग्ध उत्पादन भी करती हैं, जिससे उन्हें आमदनी के साथ साथ खेती के लिए जैविक खाद भी मिल जाता है। सरिता देवी इस तरह परंपरागत अनाज फसलों की खेती के साथ ही नकदी फसल, सब्जी एवं विभिन्न फूलों की खेती करते हुए पशुधन पर भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। सरिता देवी का कृषि के विविधीकरण का ये प्रयोग सफल साबित हो रहा है। खेती लायक जमीन यदि कम हो तो भी उसमें कृषि के विभिन्न घटकों का समावेश कर खेती को लाभदायक बनाया जा सकता है। तो इस दौर में आजकल किसान भाई को या जो भी हमारे हैं उत्पादक, उनको ये चाहिए कि वो विविधीकरण, कृषि का विविधीकरण करें। कहने के तात्पर्य खेती करें, सब्जी खेती करें, अन्न की खेती करें, पशुपालन करें, कुक्कुट पालन करें, मत्स्य पालन करें। तो ये अगर सभी साथ करें, इसमें फूलों की खेती भी अच्छी आमदनी देती है, तो एक साथ कई तरह की खेती करते हैं तो जो आमदनी का जो जरिया है वो कई तरह से होता है। इसमें अगर एक किसी तरह से अगर दिक्कत आ गई किसी एक में, तो बाकी स्रोतों से हमें हर महीने बराबर आमदनी मिलती रहती है। सब्जी फसल की खेती में फसल की देखभाल, सामयिक शस्य क्रियाओं, पोषण प्रबंधन एवं रोगों कीड़ों से फसल की रक्षा का बड़ा महत्व है। सब्जी फसल की खेती एवं फसल की तुड़ाई कटाई जैसे कार्यों में सरिता देवी आसपास की कुछ महिलाओं का सहयोग लेती हैं। इसी तरह फूलों की खेती में भी विभिन्न शस्य क्रियाओं एवं फसल प्रबंधन तथा फूलों की तुड़ाई आदि कार्यों के लिए भी सरिता देवी स्थानीय महिला श्रमिकों को काम के लिए रखती हैं। सरिता देवी सब्जी उपज को सीधे मंडी में बेच देती हैं, लेकिन फूलों का मूल्य संवर्धन करती हैं, यानी फूलों की माला बनाकर बिक्री करने से ज़्यादा दाम मिलता है। फूलों के अलग अलग खेत में महिला श्रमिक फूलों को तोड़कर इकट्ठा करती हैं। सरिता देवी श्रमिक महिलाओं के साथ फूलों की तुड़ाई के बाद माला बनाने का काम करती हैं। सभी महिलाएं मिलकर माला बनाती हैं। माला गूंथने की मजदूरी उन महिलाओं को सरिता देवी अलग से देती हैं, जिससे महिला श्रमिकों को अच्छी आमदनी हो जाती है। महिला श्रमिक गांव की या आसपास की हैं और घर गृहस्थी के काम निपटाने के बाद वे खाली समय में सरिता देवी के साथ काम करती हैं। इस तरह सरिता देवी ने अपनी प्रयोग धर्मिता से जहां स्वयं के लिए आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं दूसरी अन्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में मदद कर रही हैं। फूल का खेती करीला, गुलाब, श्रीकांति, गेंदा, कुंद, बेला, सुबह फूल तोड़ के ले आई ला, अगल बगल महिलाएं से बनवाई ला, माला गुथवाई ला, 100 रुपये सैकड़े श्रीकांति दे ला, 50 रुपये सैकड़े गुलाब दे ला। हम सरिता के यहाँ माला बनावे आई ला, खाली समय रहला माला बनावे चल जाइला, पैसा भी कुछ मिल जाला तब अपन घरे का खर्चा कुछ उठा लेला, खाए पिए का लड़कन के दे देला। हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, श्रीकांति का फूल तोड़ते हैं, गुलाब का फूल तोड़ते हैं और यहाँ की महिलाएं आके सब गेंदे, गुलाब और श्रीकांति की माला बनाती हैं। उन लोगों को सैकड़े के हिसाब से माला का पैसा देते हैं। माला दिन भर बनाते हैं तो कुछ पैसा मिल जाता है, जिससे हम लोग का खर्चा चल सकता है। हमने घर के आसपास माला बनाई ला और माला फूल बनाई ला, घर कुछ ले जाकर बनावल जला, कुछ जाकर बनावल जला
माला बनौले से हम लोग का कुछ खर्चा पानी निकल जाता है। परंपरागत अनाज फसलों की खेती के साथ नकदी फसलों, सब्जी एवं फूलों की खेती के अलावा दुग्ध उत्पादन के लिए सरिता देवी ने कुछ दुधारू पशुओं को पाल रखा है। पशुओं की देखभाल, चारा पानी देने का कार्य वे खेती से बचे हुए समय में करती हैं। गाय और भैंस पलले हैला, वही का चारा वारा हम दे ला, इसके साथ साथ वो सब का हम पालन कर लेला। दुधारू पशुओं को रखने से सरिता देवी को प्रतिदिन दूध प्राप्त होता है, जिसकी बिक्री कर उन्हें कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। पशुपालन के चलते उन्हें कंपोस्ट खाद भी उपलब्ध होती है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर होने वाला खर्च बचता है। खेती की लागत में कमी एक ठोस बचत है और ये बचत शुद्ध लाभ है। सरिता देवी की प्रयोग धर्मिता दूसरी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। गांव की दूसरी महिलाओं से अलग कुछ करने का जज्बा लेकर सरिता देवी ने कृषि के विभिन्न घटकों का समावेश अपनी खेती में किया, जिसका उन्हें लाभ मिल रहा है। इस तरह वे अपनी गृहस्थी को पटरी पर लाने में कामयाब हुई हैं। समय के हिसाब से सब्जी बोईला और फूल भी बोईला, मौसम देखते हुए सब्जी उब्जी बोईला, गुलाब भैल, श्रीकांती, गूंद, ये सब का माला भी बनवाईला, फूल माला और दूध बेचीला, तो ऐसे अपन हम गृहस्थी चला लेला। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं यदि कृषि क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करें तो निस्संदेह वे भी सरिता देवी की तरह आमदनी के छोटे छोटे स्रोत प्राप्त कर सकती हैं और आर्थिक स्वावलंबन की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए देश की प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती हैं। कृषि क्षेत्र ग्रामीण महिलाओं के लिए सुनहरे अवसर प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम है। किसान भाइयों, ये बात रही सरिता देवी की सफलता की। और अब बात करते हैं जायद टमाटर की फसल में सामयिक प्रबंधन की, सामयिक कार्य की, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने के साथ ही फसल को, खासतौर से सब्जी फसल को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या सावधानी बरतें, क्या क्या कार्य करें जिससे कि आपकी फसल अच्छी उपज देने दे सके और आपको बेहतर फायदा हो सके, इस बारे में बातचीत करने और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह चौरसिया। तो डॉक्टर साहब, जैसा अभी हम देख रहे हैं टमाटर की फसल अब बढ़वार पर है तो गर्मी भी धीरे धीरे अब बढ़ रही है, तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई पहला काम क्या करें कि उनके ये टमाटर के जो नाजुक पौधे हैं वो सुरक्षित रहें और गर्मी के मार से बचे रहें? जी, इसके लिए तो सबसे पहले उनको ध्यान देना पड़ेगा कि अब धीरे धीरे धूप बढ़ रही है, तो इसको देखते हुए अगर वो अपने टमाटर के खेत में उचित व्यवस्था न किए हों, अगर ढंग का गर्मी की फसल के लिए वो ढंग का अगर किस्मों का चुनाव न किए हों, तो अविलंब उसमें मक्का की फसल या ढैंचे की फसल या सनई की फसल जगह जगह उसमें लाइन से लगा दें, जिससे कि पौधों के ऊपर छाया पड़ते, हल्की छाया पड़े, पूरी छाया भी नहीं होनी चाहिए, हल्की छाया पड़े
और उनका पौधा विकास कर सके और धूप से उसकी सुरक्षा हो सके। दूसरी बात यह है कि उनका पौधा अगर एक महीने का हो गया है तो इस समय जो उनको नत्रजन की मात्रा जो बची हुई है, क्योंकि आधा रुपाई के समय ही दे चुके हैं, आधा नत्रजन और उसका जो है टॉप ड्रेसिंग करके उसमें पौधों में कर दें। और अच्छा होगा कि इसको तब टॉप ड्रेसिंग करें, पहले उसकी निकाई कर दें अगर खरपतवार उगाए हों, इसके बाद जब गुड़ाई कर रहे हों तो उसी के साथ उसमें नत्रजन की मात्रा दे दें छिटक कर, और इसके बाद बेड़ चढ़ा दें। इसके बाद देखने में आता है कि इसमें पानी की भी समय समय पर आवश्यकता, सबसे बड़ी समस्या वही है पानी की कमी को तो लगाने की विधि जो हमारे संस्थान में, जैसा कि आप अभी देख भी रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से अगर हमारे किसान भाई टमाटर लगाए हों तो कम से कम 8 से 10 दिन के अंतराल पर इस समय आधी नाली सिंचाई करते रहें, जिससे कि पौधों को जो भी पानी मिले वो रिस करके जड़ों को मिले, सीधे संपर्क में पानी ना आवे, और इस तरह से लगाने से उनकी पानी की आवश्यकता भी कम होती है, मतलब लागत कम हो जाएगी। जी जी, यहाँ पानी की आवश्यकता लगभग 40% की बचत हो जाती है, तो कम पानी और बार बार पानी ये जो है टमाटर की खेती के लिए काफ़ी लाभदायक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यह इस समय जो उर्वरकों का भी प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है जी, तो इस समय किन उर्वरकों का, खासतौर से हम यूरिया का ही करते हैं, इसके साथ भी क्या कुछ कोई सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रयोग करना उचित होगा? जी हाँ, इसमें अगर पौधे का विकास ढंग से न हो रहा हो, क्योंकि अभी ठंड के बाद पौधे जो है बढ़ रहे हैं, तो उनको जिस तरह से NPK हम शुरू में दे चुके हैं और इस समय देना वो सार्थक नहीं है, तो नत्रजन फास्फोरस पोटास का आजकल पानी में घुलनशील क्रिस्टल आता है जिसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के नाम से जाते हैं, पानी में घुलनशील, तो ये पैकेट में मिलते हैं लगभग 100-125 रुपये के 1 किलो, तो इनका 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके पौधों पर 10 दिन के अंतराल पर हम छिड़काव कर सकते हैं। इससे पौधों का जो बढ़वार होगा और उसमें फलन की क्षमता होगी ये काफ़ी अच्छी होगी। जैसे अभी पौधे छोटे हैं और गर्मी बढ़ी है तो बहुत रोग वगैरह की तो संभावना नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कुछ संभावनाएं कुछ रोगों की हो सकती है, तो उसके लिए वो क्या उपाय करें? इस समय जो भी टमाटर में देखने में आता है कि पीछे थी झुलसा, जैसे अभी बहुत ज़्यादा कुछ दिन पहले पानी बरसात के साथ साथ इसकी बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गई थी और ज़्यादातर टमाटर जो है समाप्त हो गए, तो इसको देखते हुए हमारे किसान भाई पहले तो डाइथेनियम 45 छिड़काव करें, नहीं तो डाइथेनियम 45 और बायोस्टीन दोनों को मिला करके छिड़कें। अच्छा होगा कि कवच नाम से एक जो आता है बाज़ार में उपलब्ध है दवा फंजिसाइड, जिसको लेकर के उसका छिड़काव 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कवच का एक छिड़काव ही करें, दूसरा छिड़काव फिर डाइथेनियम 45 सावधानी के तौर पर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो इससे जो है जो पिछेती झुलसा है जिससे पत्तियां तना फल सभी नुकसान हो जाते हैं, इससे बचत हो जाएगी। तो मतलब यही पिछेती झुलसा की ही संभावना है और वो गलन वगैरह की बीमारी अभी इस समय नहीं। जी नहीं, पानी के साथ साथ पिछेती झुलसा की समस्या आ रही है, जिसको बायोक्योर बी भी एक दवा है जो जैविक है, इसका भी हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नमी संरक्षण के लिए आजकल काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि मल्चिंग अगर कर दिया जाए तो पानी की बचत और भी हो जाती है, तो टमाटर की फसल में फिर वो नमी संरक्षण के लिए मल्चिंग किस चीज़ से करें, क्योंकि यहाँ तो पुआल वगैरह भी उपलब्ध है? जी हाँ जी हाँ, गर्मियों में खास तौर से पॉलीथीन से मल्चिंग करना जो है फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि तापक्रम बढ़ने के साथ साथ जड़ों के पास का भी तापक्रम बढ़ जाता है, तो इसलिए कार्बनिक जो मल्चिंग कहते हैं, जिसमें हम पुआल है या जो भी भूसे का प्रयोग कर सकते हैं या जो खरपतवार हैं सूखे उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, गन्ने की पत्तियां हैं इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें जो देखने में आया है कि पुआल जो है सबसे अच्छा प्रभावी है, तो इसके लिए हमारे किसान भाई चाहें कि जो टमाटर की फसल लगाए हैं उसके बीच बीच में अगर पुआल बिछा देते हैं तो कम से कम 30-40% उनकी पानी की बचत हो जाती है, प्लस जो उनको सिंचाई का अंतराल है वो भी काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इस तरह से हमारे किसान भाई मल्चिंग कर सकते हैं। इससे दूसरा फायदा है खरपतवार कम आएंगे एक तरह से, तो इस तरह हमारे किसान भाई उस पर भी जोर दें और अपने खेतों का मल्चिंग भी करें। अच्छा, खरपतवार अगर आते हैं तो इनके प्रबंधन के लिए निराई गुड़ाई का ही सहारा लें या किसी खरपतवार नाशी का प्रयोग करें? अगर के हमारे किसान भाई पौध रोपण से पहले खरपतवार नाशी जैसे स्टाम्प है उसका प्रयोग कर दिए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, 25-30 दिन तक वो खरपतवार नहीं उगते, तब तक फसल बढ़ जाती है। अगर नहीं किए हों तो इस समय जब पौधे की बढ़वार की स्थिति है
तो रासायनिक खरपतवार नाशी का हम प्रयोग नहीं करते, ज़्यादातर हाथ के द्वारा खुरपी की सहायता से ही खरपतवार निकालते हैं। तो हमारे किसान भाई इस तरह से करें, निराई गुड़ाई से ही खरपतवार का प्रबंधन कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, जायद टमाटर की फसल में सामयिक कार्य सामयिक प्रबंधन के बारे में जो जानकारी आपने दी वो हमारे टमाटर उत्पादक किसानों के लिए लाभप्रद साबित होगी। बातचीत करने और जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।